नमस्कार, आप सभी का बेहद स्वागत है सीआईईटी एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूं तन्वी खुराना और इस वक्त हम देख रहे हैं साइंस का ये कार्यक्रम, जहां हम बातचीत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अब यहां हम समझेंगे कि एटम क्या है और एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है और हम एटम से क्या समझते हैं और स्ट्रक्चर कितना इम्पोर्टेंट होता है एटम का साइंस के सभी बच्चों के लिए समझने के लिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कीजिए। नंबर है 8800440559। इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 9 पर। नवी कक्षा के सभी छात्र हमसे जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर ईमेल करना चाहें तो ईमेल आईडी होगा dth.class9@cit.nic.in। तो साइंस का ये चैप्टर हम थोड़ी देर में शुरू करेंगे और आइए परिचय करवाएंगे हमारे आज की मेहमान से। वी हैव विद अस मिस्टर सुधांशु शर्मा। सर, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। नमस्ते मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज मुझे चैनल पर बुलाया इस विषय पर चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद धन्यवाद सर, आपका भी हम करना चाहेंगे। आपका एक छोटा सा परिचय हम अपने सभी दर्शकों को देना चाहेंगे। सर हैं रिसर्च स्कॉलर, सेंटर फॉर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जोधपुर से। तो सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में और हम आपसे पूछना चाहेंगे, हम ये जो चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, सबसे पहले आप हमें एटम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा और स्ट्रक्चर ऑफ द एटम बच्चों को पढ़ने की क्यों ज़रूरत है ये भी बताइएगा, मतलब इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी हमें बताइएगा सर। बिल्कुल, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्लास 9th के लिए, क्योंकि इससे हम जो है किसी चीज की संरचना कैसे है, उसमें क्या चीज उसका जो है फंडामेंटल कंपोजिशन है, उसके बारे में हमें जानने को मिलता है। क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी चीजें, चाहे वो हमारी बॉटल हो, चाहे वो हमारे कपड़े हो या हमारे बर्तन हो, हमारा सोफा सेट है, जूते हैं, वो सारे किसी न किसी जो है परमाणु से बने, परमाणु के संयोग से बने हुए, और एक जरा से चेंज से मैटर कैसे चेंज हो जा रहा है, एक मैटर दूसरे से कितना अलग है, ये भिन्नता जो है हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अध्ययन करने से पता चलता है। सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में हम जानेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे स्लाइड्स में, कि एटम्स का स्ट्रक्चर जानना क्यों जरूरी है, एटम का स्ट्रक्चर इवॉल्व कैसे हुआ और एक एटम को दूसरा एटम जो है कैसे जो है अलग बनाता है, और एटम जो है उसकी थ्योरीज किसने प्रपोज करी थी, ये सारी चीजें जानेंगे। और इस ये हमारे लिए जानना आवश्यक भी है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसी के थ्रू हम जान पाएंगे कि चीजें आखिर चल कैसे रही हैं। अगली स्लाइड में जब जाएंगे जो है, तो हमें पता चलेगा कि एटम है क्या, क्या होता है एटम। एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर प्रेजेंट अराउंड अस। जो फंडामेंटल बेसिक चीज जो किसी भी मैटर में है, वो क्या है? एटम्स है हमारे। और क्या है एटम? द एक्सिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग देम। हर एक सामान में एक सेट ऑफ एटम्स है, उन्हीं की वजह से उनकी वैसी संरचना है। और क्या है? व्हाट इज एटम? इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मैटर दैट पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल एलिमेंट। सबसे छोटा जो कण है वो है परमाणु, वो है एटम, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। एटम किससे बना होता है? एटम के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। उनका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा। ये हमें एक एटम का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन हमारे ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो एक प्रश्न जो यहाँ से बनता है, प्रश्न ये है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स न्यूक्लियस। कुछ बच्चे न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन में कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो न्यूक्लियस जो है किसी एटम का जो है सेंटर है, उस सेंटर के अंदर जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है अपना ऑर्बिट करते हैं। ये जानना हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए आवश्यक है कि एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, जिसमें से न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि
कैसे जो है पार्टिकल्स जो है ये चार्ज पार्टिकल जो है हमारे मैटर में कॉन्स्टिट्यूट होते हैं. मैटर है प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल विद इन इट, दैट इज पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज पार्टिकल म्यूचुअली बैलेंसिंग ईच अदर. अब जितना न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं लगभग उसी मात्रा में बाहर ऑर्बिट करते हुए इलेक्ट्रॉन जो अपने चार्ज को एक दूसरे से बैलेंस करते हैं, कैंसिल नहीं करते हैं, वो क्या म्यूचुअली बैलेंस करते हैं, अपनी फोर्स को जो है बैलेंस करते हैं. जे.जे. थॉमसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया था 1900 में और उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1906 में. लेकिन बच्चों मैं आपको बताते चले कि जे.जे. थॉमसन से पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में डिस्कवर किया था एक नई तरह के रेडिएशन डिस्चार्ज ट्यूब में, जिसको वो कैनाल रेज बोलते थे, और दीज रेज वर द पॉजिटिवली चार्ज एंड लेटर ऑन लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स. जो गोल्डस्टीन ने कैनाल रेज की डिस्कवरी करी थी इससे बाद में क्या हुआ, प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए थे. अगली स्लाइड में हम जानेंगे कि कैसे जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है शेप हो रहा है, कौन कौन से उसमें मॉडल आ रहे हैं. डिफरेंट साइंटिस्ट हैव प्रपोज्ड डिफरेंट मॉडल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एवरी मॉडल हैड ट्राइड टू रिमूव द ड्रॉबैक्स इन अर्लियर मॉडल. कोई भी मॉडल अपने आप में 100% एफिशियंट नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें जो है डिफिशियंसी रहती है, जिसको अलग अलग मॉडल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, ऑगमेंट किया गया और सही किया गया है. तो हम ये तीन फंडामेंटल मॉडल जो हमारे चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं, थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोस मॉडल को डिस्कस करेंगे. अगली स्लाइड में हम जो है थॉमसन मॉडल के बारे में ही जानेंगे कि कैसे थॉमसन ने अपना मॉडल जो है प्रपोज किया था. थॉमसन के मॉडल को हम और क्या बोलते थे, प्लम पुडिंग मॉडल. ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन जो पूछा जाता है अक्सर जो एमसीक्यू में या फिल इन द ब्लैंक्स में, वो ये हो सकता है कि व्हाट इज द अनदर नेम फॉर जे.जे. थॉमसन मॉडल. हिज द अनदर नेम फॉर जे.जे. थॉमसन मॉडल वॉज प्लम एंड पुडिंग मॉडल. प्लम और पुडिंग क्यों, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो एटॉमिक मॉडल हम साइड में देख पा रहे हैं, पिक्चर बनी हुई है, एक वाटरमेलन दिख रहा है, पॉजिटिवली चार्ज है और जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट कर रहे हैं. तो इसी तरह से इन्होंने प्लम एंड पुडिंग मॉडल को जो है प्रपोज किया था, कुछ इसी तरह की संरचना. एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन. मतलब कि जो स्फीयर है उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है लगे हुए हैं हमारे, ऐसा मॉडल उन्होंने प्रपोज किया था. द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो द एटम आर एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. उन्होंने ये भी बताया कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से एटम जो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. तो ये जानने की बात है कि एटम कैसा होता है, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये इंपॉर्टेंट बात है. अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि रदरफोर्ड ने कैसे जो है अपने मॉडल को एक्सप्लेन किया. रदरफोर्ड ने जो है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था. रदरफोर्ड परफॉर्म्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग यूजिंग गोल्ड फॉयल व्हिच वाज वेरी थिन, दैट इज ऑलमोस्ट 1000 एटम्स थी. मतलब गोल्ड फॉयल इतनी थिन कर दी गई थी, इतनी थिन कर दी गई थी कि लगभग 1000 एटम ही उसमें आ पाए, इतनी थिन जो है. ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड डबली चार्ज हीलियम आयंस हैविंग कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हाई एनर्जी. अल्फा पार्टिकल्स बहुत हाई एनर्जी होती है और अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सम एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम. अल्फा पार्टिकल जो है डिफ्लेक्ट भी हो सकते हैं गोल्ड एटम्स की वजह से. अच्छा, एक यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है बच्चों से पूछा जा सकता है, रदरफोर्ड ने जो है सिल्वर गोल्ड फॉयल ही क्यों ली, जो है सिल्वर फॉयल ले लेते, आयरन की फॉयल ले लेते, एल्यूमिनियम की फॉयल ले लेते, गोल्ड ही क्यों लिया, क्या जरूरत थी गोल्ड लेने की, इतना महंगा जो है गोल्ड है हमारा, फिर भी गोल्ड ले लिया जो. तो उसका उसका आंसर ये है कि गोल्ड जो मेटल है उसकी मैलिएबिलिटी इतनी हाई होती है, उसको बहुत पतला बहुत थिन जो है हम लोग कर सकते हैं, इतना थिन कि 1000 एटम्स के जितना थिक जो है. और बाकी जो एटम्स होते हैं सिल्वर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर, उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते. तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो होगी वो अच्छे से नहीं हो पाएगी. अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कुछ पार्टिकल गए हुए हैं, कुछ में रिबाउंड हो गया है, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए हैं, कुछ अनडिफ्लेक्टेड चले गए और डिटेक्टर इनको जो है डिटेक्ट कर रहा है. अब ऐसा क्यों हो रहा है ये हम अगली स्लाइड में जानेंगे कि रदरफोर्ड ने बताया कि ये रिबाउंड क्यों हो रहा है, डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है और सीधा सीधा क्यों चला जा रहा है. तो उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस से जब जो है रेस अल्फा पार्टिकल टकराते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी. एटम के अंदर बहुत सारी स्पेस खाली होती है. जब खाली स्पेस से अल्फा पार्टिकल जाता है तो वहां पे हम किसी भी प्रकार का कोई भी डिफ्लेक्शन जो है ऑब्जर्व नहीं करते. यानी इफ नो डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल देन दैट स्पेस इज एम्प्टी. और
पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम्स ऑक्यूपाइड वेरी लिटिल स्पेस। पॉजिटिव चार्ज बहुत ही जरा सी जगह जो है ऑक्यूपाई करते हैं एटम में, वहां पर क्या होता है डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाता है, मतलब अपने रास्ते से वो भटक जाते हैं। एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ एटम आर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। ये जैसे अभी हमने बताया कि न्यूक्लियस जो बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, जब अल्फा पार्टिकल बिल्कुल वहां पर जाके टकराता है तब क्या होता है रीबाउंड, मतलब गया और सीधा वापस आ गया 180 डिग्री टर्न लेके, बिल्कुल ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, रीबाउंड गया और वापस आ गया। तो ये हमारा जो है रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया कि सारा जो है मास जो है कहाँ कंसेंट्रेटेड होता है, सेंटर में होता है, और डिफ्लेक्शन किसकी वजह से होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की वजह से होता है। अगली स्लाइड में जब हम जाएंगे तो देखेंगे नील्स बोर ने कैसे जो है एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया। नील्स बोर प्रपोज्ड पोस्टुलेट्स टू ओवरकम ड्रॉबैक्स इन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ कमियां थी, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के नेचर को नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि इलेक्ट्रॉन कैसे जो है ऑर्बिट करेंगे या रिवॉल्व करेंगे, रोटेट करेंगे, क्या करेंगे। तो उसका जो है समाधान किसने खोजा था, नील्स बोर ने खोजा था। नील्स बोर सेड ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो है बिल्कुल केंद्र में है, उसके अराउंड जो है ऑर्बिट्स हैं जिनको हम लोगों ने KLMN या 1, 2, 3, 4 करके नेमिंग दे दी, नोमेनक्लेचर दे दिया, और हर एक ऑर्बिट का अपना जो है एनर्जी लेवल है कि अलग अलग एनर्जी लेवल में अलग अलग लेवल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन्हीं के अंदर ये जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। यानी कि पहला पॉइंट वो क्या बोल रहे हैं नील्स बोर, ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट। डिस्क्रीट क्यों है, डिस्क्रीट इसलिए है कि दोनों एक दूसरे जुड़े नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। ये है द डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, एल की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, एम की भी है उसी तरह से एन की भी। एंड व्हाइल रिवॉल्विंग इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं तो अपनी एनर्जी जो है लूज नहीं करते हैं, और इसीलिए इन ऑर्बिट्स या सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। अगले स्लाइड में जब जाएंगे जी सर, हम यहाँ पे आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे, जो तीन अलग अलग मॉडल्स हैं तीन अलग अलग व्यक्तियों के, इनमें से अगर हम कंपेयर करें तो कह सकते हैं कि किसी एक का मॉडल सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है? मैम कह सकते हैं, इसकी चर्चा अभी हम और आगे करेंगे, अगली स्लाइड्स में हमारे पास है कि किसको हम अप्रोप्रिएट बोलेंगे, क्योंकि जे.जे. थॉमसन आए तो उन्होंने बोला प्लम पुडिंग होता है, ठीक है, फिर सब कोई पूरा पूरा चीजें एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये उस टाइम की बात है जब जो है एटम का स्ट्रक्चर हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे, आज हम जान रहे हैं। फिर इलेक्ट्रॉन के नेचर को एक्सप्लेन किया, रदरफोर्ड ने जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के बारे में एक्सप्लेन किया, अब न्यूट्रल पार्टिकल जो होते हैं जिनको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं वो सबसे बाद में डिस्कवर हुए, उनको जो है चैडविक ने डिस्कवर किया। चैडविक ने क्या बोला, सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग नो चार्ज बट मास इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द प्रोटॉन। जो एटम के अंदर मास आता है वो मैक्सिमम जो है न्यूट्रॉन्स की वजह से ही आता है, और उन्होंने इसका क्या नाम दिया था, इसका नाम दिया न्यूट्रल पार्टिकल को क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन दिया, जिसको जो है एन सिंबल से डिनोट करते हैं। और मास ऑफ द एटम क्या होता है, सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ द मासेस ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि टोटल मास ऑफ एटम क्या हो रहा है कि मास ऑफ प्रोटॉन जितने भी होते हैं प्रोटॉन जितने भी न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है, इसलिए जो है मास ऑफ एटम में उनको बहुत ज्यादा हम कंसिडर नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा उससे अंतर नहीं आता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स के बारे में किसने चर्चा करी या किसने डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु हैज डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाई जेम्स चैडविक, और उन्होंने इसको सिंबल एन से डिनोट किया था। अगली स्लाइड में जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि कैसे जो है एटॉमिक मॉडल इवॉल्व हो रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी प्रश्न किया कि कौन से सबसे एप्रोप्रिएट मॉडल, तो सबसे पहला मॉडल जो है जॉन डाल्टन ने प्रपोज किया, हाँ, फिर उसके बाद जे.जे. थॉमसन आए, उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल प्रपोज किया जो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था इलेक्ट्रॉन के नेचर को, वो बोल रहे थे कि प्रोटॉन के अंदर ही जो है ऊपर ही वो मास है पूरा, और मास के ऊपर इलेक्ट्रॉन चिपके हुए हैं और उस तरह से काम चल रहा है। लेकिन फिर जो है रदरफोर्ड आए, उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पॉजिटिवली चार्ज जो है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स हैं जो सेंटर पे एग्जिस्ट करते हैं, बाकी अराउंड उसके अराउंड जो है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। लेकिन वो फिर नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो नील्स बोर ने आके करेक्ट कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है अलग अलग ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व करेंगे। लेकिन नील्स बोर के भी मॉडल में कुछ कमियाँ थी,
तो उसको किसने एक्सप्लेन किया? श्रोडिंजर ने एक्सप्लेन किया। जब आप जो है और हायर क्लास में जो जाएंगे तो आपको अरविंद श्रोडिंजर का जो है मॉडल पढ़ने को मिलेगा कि कैसे और करेक्शन आए हैं, हाँ कैसे SPDF ऑर्बिटल्स आए हैं, ऑर्बिट से भी ऊपर की चीज जो ऑर्बिटल्स को कैसे ऑर्बिटल्स जो है एक दूसरे में अरेंज होते हैं और कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है इसके बारे में जानेंगे। यानी कि एटॉमिक मॉडल हमारे जो है धीरे 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 करेक्ट होते चले गए। और अभी के लिए क्लास 9 के स्टैंडर्ड में हम मानेंगे कि नील्स बोर ने लगभग जो है मॉडल को करेक्ट कर दिया था, मतलब ये एक लेवल तक जो है एटम के जो है स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर देता है। अगली स्लाइड जब जाएंगे हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स, इलेक्ट्रॉन्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं अलग अलग सेल्स में। तो नील्स बोर के वापस से मॉडल में जब जाएंगे तो उन्होंने क्या बोला था कि अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व कर, लेकिन हमको कैसे पता चले कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या किस तरह से जो है रिवॉल्व करेंगे, तो उसका भी उन्होंने जो है नियम दिया, उसको बोलते थे वो 2n² नियम। यानी कि पहले पॉइंट वो क्या बोलते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n², वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल इंडेक्स 1, 2, 3। यानी कि n हमारा क्या डिनोट कर रहा है, ऑर्बिट को, 1 है पहला ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। और इसी जो है n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 जब प्लेस करते हैं हम 2n² रूल में, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं कि इस ऑर्बिट में मैक्सिमम जो है इतने एटम्स ही, इतने सॉरी इलेक्ट्रॉन्स ही जाएंगे और इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में नहीं जा सकते। फिर उन्होंने क्या बोला, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि सबसे बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं। और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन सेल अनलेस द इनर सेल्स आर फिल्ड, दैट इज द सेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो है पहले सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, फिर अपने मन से थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, फिर उसके बाद फर्स्ट सेल में फिल करें। यानी कि वो क्या बोला, स्टेप वाइज फिल होगा, पहले सेल नंबर 1 फिल होगा, फिर सेल नंबर 2 फिल होगा, जब वैकेंसी होगी तो सेल नंबर 3 फिल होगा, और अभी इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो सेल नंबर 4 फिल होगा, स्टेप वाइज मैनर। जब तक जो है सबसे कम एनर्जी लेवल का जो है सेल नहीं फिल होगा, तब तक जो है हायर एनर्जी लेवल का सेल नहीं फिल करेंगे हम लोग। ये हमारा जो है नील्स बोर ने एक्सप्लेन किया था। अगली स्लाइड में जब हम जाएंगे तो पाएंगे कि वैलेंसी के बारे में एक्सप्लेनेशन। हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन और जो बन सकता है ये प्रीवियस जो स्लाइड्स के बेसिस पे, वो ये है कि क्या कोई ऐसा जो है एटम हो सकता है कि जहां पर जो है हमारे पास न्यूट्रॉन नहीं हो, बस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो। तो बच्चों हाँ, ऐसा एक एटम है हमारे पास जिसको हम लोग जो है हाइड्रोजन बोलते हैं। हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। देयर इज एब्सेंस ऑफ न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। अच्छा, अब वैलेंसी क्या होती है, एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी कॉल्ड इट्स वैलेंसी। हर एक एटम की अपनी डिस्टिंक्ट जो है होल्डिंग कैपेसिटी होती, कितने वो इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकती है, कितने जो है दे सकती है, ले सकती है, तो उस चीज को एक्सप्लेन करती है वैलेंसी। और वैलेंसी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, 0 से 4 तक वेरी कर सकती है। यानी द आउटर मोस्ट वैलेंस सेल ऑफ एन एटम कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन विद एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्यों, हाइड्रोजन और हीलियम के आउटर मोस्ट जो है वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। यानी कि फर्स्ट सबसेल में 2n² के रूल के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम जा सकते थे। यानी कि इस रूल्स के एक्सेप्शन का हाइड्रोजन और हीलियम है हमारे। एन एटम हैविंग कम्प्लीटली फिल्ड 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल सो लिटिल और नो केमिकल रिएक्टिविटी एज इट्स वैलेंसी बिकम 0 एंड इट इज इट्स ऑक्टेट इज कम्प्लीट। यानी कि हमारी जो नोबल गैसेस होती हैं, हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टन है, नियॉन है, टेनन है, उनके वैलेंस सेल पूरे जो है फिल्ड होते हैं, जिसकी वजह से उनकी वैलेंसी हमारी 0 हो जाती है। यानी कि जब वैलेंसी 0 हो जाएगी तो वो किसी भी और एलिमेंट से किसी भी तरह का रिएक्टिविटी नहीं शो करेंगे, वो बिल्कुल जो है इनर्ट हो जाएंगे। इसीलिए नोबल गैसेस को हम क्या बोलते हैं कि इनर्ट एलिमेंट है। एटम्स रिएक्ट टू अचीव ऑक्टेट इन देयर आउटरमोस्ट वैलेंस सेल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन व्हिच इन्वॉल्व गेनिंग और लूजिंग। जितने भी एटम होते हैं वो रिएक्शन किस लिए करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट करने से क्या होता है, उनका वैलेंस सेल कंप्लीट हो जाता है, वो स्टेबल हो जाते हैं।
एंड दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट टू कंप्लीट द ऑक्टेट डायरेक्टली गिव्स अस वैलेंस। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा उससे हमें क्या पता चलता, किसी एटम की जो है वैलेंसी के बारे में जानकारी मिलती है। अगली स्लाइड में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे और भी कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं हमारे जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। एटॉमिक नंबर और मास नंबर, अब यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में हम देख पा रहे हैं कि कैसे जो है किसी एलिमेंट को हम जो एटॉमिक नंबर मास नंबर उसके सिंबल से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर हमें जो है नाइट्रोजन को डिनोट करना है तो एक्स की जगह हमारा क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन का सिंबल एन आ जाएगा, और एटॉमिक नंबर जेड जहां पर लिखा है वहां पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना होता है 7, और मास नंबर यानी कि ए, और नाइट्रोजन का मास नंबर कितना होता है 14, ए की जगह क्या आ जाएगा 14। यानी कि नाइट्रोजन का अगर जो है इस नोटेशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 14N7। ये इंपॉर्टेंट नोटेशन है, बचपन से एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका आपको ध्यान देना। अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम व्हिच डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही उस एटम का एटॉमिक नंबर, इट इज डिनोटेड बाई जेड। और मास नंबर क्या है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम व्हिच डिटरमाइंस इट्स मास नंबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के जो बन रहा है नंबर वो क्या होता है, हमारा मास नंबर। इसको किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। अगली स्लाइड में हम जाएंगे कि और भी क्या जो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इनसाइट्स है। उसके बाद हमें पता चलता आइसोटोप्स के बारे में और आइसोबार्स के बारे में। अब आइसोटोप्स और आइसोबार्स बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनका मास नंबर अलग अलग है। ठीक है, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, सबका जो है एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इनका मास नंबर अलग अलग। हाइड्रोजन में जो है मास नंबर 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है, ट्राइटियम का 3 है। इसी तरह से आइसोबार क्या होता है, आइसोबार ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर अलग होते हैं लेकिन उनका मास नंबर सेम होता है। एंड दीज आर द स्पीसीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एलिमेंट अलग अलग होते हैं, और आइसोटोप्स क्या, दीज आर द स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के स्पीसीज होते हैं। आइसोबार का एक एग्जाम्पल है कैल्शियम और ऑर्गन। क्यों, क्योंकि इनका मास नंबर 40 है और एटॉमिक नंबर 20 और 18 रिस्पेक्टिवली। एप्लीकेशंस क्या होते हैं आइसोटोप्स के, एंड आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, और क्या, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, एंड आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। गॉइटर एक रोग है जिसको घेंगा बोलते हैं। तो बच्चों ये जो है एक इनसाइट थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, और इसी के साथ मुझे लगता है कि ये सत्र मुझे समाप्त करना चाहिए। और आप लोगों के कोई प्रश्न है तो वो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं, जो है बिल्कुल निश्चिंत होकर पूछिए जो है, या आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए तो मैं उसको एड्रेस कर दूंगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। एक सवाल हम आपसे जरूर पूछना चाहेंगे, आपने शुरुआत में बताया था एटम एक इलेक्ट्रॉन से बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है, क्या ये संभव है कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से बने और न्यूट्रॉन ना हो तो भी क्या एक एटम बन सकता है? जी मैम, बन सकता है। एक एक्सेप्शन है हमारे जो है एटॉमिक जो है पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन का एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है, उसमें जो है एक प्रोटॉन होता है और एक जो है इलेक्ट्रॉन होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है। और जब जो है हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देता है तो एक प्रोटॉन जब बचता है तो उसको हम कई बार बोलते हैं प्रोटॉन, इट इज अ प्रोटॉन। तो जब हायर स्टडीज में जाएंगे तो उसमें एक थ्योरी भी आती है प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है PNMR करके जो है बोलते हैं, या 1HNMR बोलते हैं। तो इसी की वजह से बोलते हैं कि हाइड्रोजन प्रोटॉन की तरह भी बिहेव करता है जब उसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं, तो हाइड्रोजन ही हमारा ये एक्सेप्शन है यहाँ जी। बेहद धन्यवाद सर, हमारे सभी सवालों का भी जवाब दिया आपने और हमें जो स्ट्रक्चर है एटम का उसे बेहद खूबसूरती से समझाया। थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।
धन्यवाद करना चाहेंगे हम अपने सभी दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने ये जो कार्यक्रम समझा, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, हमारे साइंस का कार्यक्रम था कक्षा 9 के सभी छात्रों के लिए। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और इसी तरह अभी हमारे पास आप सभी के लिए बहुत सारे कार्यक्रम है, थोड़ी देर में लेकर हाजिर होंगे वेबिनार सीरीज, और वो आप देख सकते हैं ई विद्या चैनल नंबर 6 से लेकर चैनल नंबर 12 तक, तो उसे जरूर देखिएगा। कोई सवाल हो तो हम तक बेझिझक जरूर पहुंचाइएगा। मैं हूं तन्वी खुराना, आप सभी से मांगूंगी इजाजत, आशा है आपका दिन अच्छा जाए। नमस्कार।